एक प्रधानमंत्री को, ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिला कि कभी उम्मीद नहीं की जा सकती। मल्लिका खड़गा अर्जुन क्या नाम है, उनका लड़का भी जो है कुछ गलत बयान दिया है। सुजरेवाला साहब क्या कहते हैं मालूम है, जो बीजेपी को वोट देगा वो राक्षस होगा। ये हमारे देश के नेता हैं जिन्हें बोलने तक की तमीज नहीं है। हमारे माँ बाप ने, हमारे कल्चर ने, हमारे समाज ने ये नहीं सिखाया है कि हम किसी पर भी उंगली उठाए बेवजह। भारतवर्ष, ये हमारा इंडिया जो है पहले भारत ही था, इसे जो अंग्रेज शासक आए उन्होंने इंडिया नाम दिया है। बिल्कुल हम तो मोदी से 100% सहमत है। नो, मोदी के लिए सब कुछ जायज नहीं। हम भारत कहना पसंद करेंगे क्योंकि जो हमारे हिंदू संस्कृति के हिसाब से, हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से हमारे देश का नाम भारत था और भारत ही हम कहना चाहेंगे। हाँ, भारत है, भारत रहेगा। दिल्ली में G20 की मेजबानी की पूरी तैयारी है, लगभग सारे डेलीगेशन दिल्ली पहुंच चुके हैं और कल सुबह मीटिंग शुरू हो जाएगी। इस समय मैं दिल्ली के लाल किले के इलाके में खड़ा हूं, मेरे ठीक पीछे आपको लाल किला दिखाई दे रहा होगा और यहां पर पिछले कई दिनों से बात करें तो रिस्ट्रिक्शन या ये कहें पाबंदियों की वजह से भीड़ भाड़ का जो इलाका है या ये कहें सबसे ज़्यादा बिजी रहने वाला ये इलाका है। कई प्रकार के बाजार हैं यहाँ पे, कई प्रकार की मार्केट है और लोग यहाँ पर कई काम घूमने के तौर पर भी आते हैं। लेकिन जैसे ही G20 करीब आया, यहाँ पर आपको पहले के मुकाबले भीड़ नहीं दिखाई दे रही होगी। लोगों का कहना है पाबंदी लगना ठीक है लेकिन भ्रम फैलाना गलत है। दिल्ली में G20 चल रहा है जिसकी मेजबानी दिल्ली कर रही है इस बार, जिसकी वजह से ये कहा जा रहा है कि कई इलाकों में जो है रोक लगाई है, पाबंदियां लगाई है, ये एक लॉकडाउन जैसी स्थिति है। इस समय हम चांदनी चौक के इलाके में खड़े हैं, सबसे ज़्यादा भीड़ भाड़ा वाला इलाका है, क्या कहेंगे, कुछ पाबंदी है? यहाँ पे कोई पाबंदी नहीं, वो तो र्यूमरबाजी करने वाले कुछ भी कहें। रूट जहाँ पे होटल बुक हैं उन गेस्टों के लिए कि वहाँ ट्रैफिक ज़्यादा ना लगे, वहाँ पे कुछ रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं। यहाँ के लिए दिल्ली गेट तक तो यहाँ पे कोई दिक्कतें नहीं है। अच्छा, बात अगर राजनीति की करें तो पूरा विपक्ष कह रहा है कि इस तरीके से जो है ये मेजबानी कर रहे हैं, कल राष्ट्रपति जो है भोज दे रहे हैं सारे जो भी डेलीगेशन आ रहे हैं उनको, तो उसमें विपक्ष आरोप लगा रहा है कि कांग्रेस के जो सचिव है मल्लिकार्जुन खड़गे उनको नोता नहीं दिया, ये गलत है, क्या कहेंगे इस पर राजनीति में? सर, हिंदुस्तान है, एक प्रधानमंत्री को, ऐसा प्रधानमंत्री देश को मिला कि कभी उम्मीद नहीं की जा सकती। प्रधानमंत्री को अगर गाली दे सकते हैं, मल्लिका खड़गा अर्जुन क्या नाम है, उनका लड़का भी जो है कुछ गलत बयान दिया है। राजनीति अपनी जगह पे है, कुछ समय तक हिंदू मुस्लिम बनाते रहे, ये हिंदू है ये मुस्लिम है, वो कार्ड फेल हो गया। उसके बाद जो है कुछ भड़काऊ तथ्य रखा गया, वो भी सफल नहीं हो पाया। क्या देश को अगर आगे ले जाना, बहुत सौभाग्य की बात है, देश हमारे देश में 20 देश के प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री आ रहे हैं। जिस बयान की आप बात कर रहे हैं वो तमिलनाडु के CM स्टालिन के बेटे ने दिया है कि सनातन धर्म को लेकर दिया है, सनातन धर्म के बारे में कहा है कि कोरोना है, या अजीब तरीके की टिप्पणी करी है कि सनातन धर्म है ही नहीं और अगर ऐसा कुछ भी है तो उसको मिटा देना चाहिए। इस पे क्या कहेंगे? बस एक सनातन धर्म को लेकर टिप्पणी करी है कि सनातन धर्म कोई भी नहीं होता है और इस तरीके से ना हिंदू है ना सनातन धर्म है, क्या कहेंगे? सबसे पुराना तो सनातन धर्म ही है साहब, सबसे पहला मेन तो सनातन धर्म ही है और सनातन धर्म अपने में सबको उसमें आप मैंने मान लिया। एक मिनट भाई साहब, आप सिख हैं, वाही गुरु को मानते हैं, हम मुसलमान हैं, हम अल्लाह को मानते हैं, वो क्रिश्चियन है, वो अपने धर्म को मानते हैं, सबको अपने अपने धर्म की पूजा पाठ करने की बराबर जो है इस धर्म पे कोई छेड़खानी करे, कुछ ऐसी व्यंगात्मक भाषा बोले, सबसे हमारा हिंदू धर्म, हम सनातन धर्म वो एक ही बात मान लो। इसमें जो है जितनी व्यंगात्मक भाषाएं बोली जा रही किसी और धर्म में बोल के आदमी दिखा दे, हम यूपी से मिलान करते हैं, वहाँ के एक मौर्य हैं कि यादव है, कौन है, संजय मौर्य, स्वामी प्रसाद मौर्य, रामचरित मानस पे उन्होंने जो है ऐसा टिक्का टिप्पणी कर डाला, प्रतियां जलाई गई उसकी, उनकी प्रतियां जला दी गई कहने पे, प्रतियां जला दी।
अदर धर्म, इसीलिए बोल रहा हूँ ये सनातन धर्म है। एक एक लास्ट सवाल है, ये बताइए आप देश की जनता है, क्या विपक्ष ये भी कह रहा है कि जो इंडिया और भारत शब्द को लेकर लड़ाई हो रही है, प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि भारत बोलना चाहिए, इंडिया शब्द को हटा दो, उस पर भी आपत्ति है, उस पर क्या कहेंगे, भारत या इंडिया, आप किसको चूज करेंगे? ये भारत है कि इंडिया है? अब भारत, अगर हिंदुस्तान का नाम भारत रखा गया तो किस नाम पे आप वेद पे चलिए, अपने ग्रंथों पे चलिए। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है हमने डेलीगेशन बनाया इंडिया, इसलिए आपत्ति होगी। पहले तो लगाकर बनाया था उन्होंने, इंडिया नहीं बनाया। इंडिया क्या है? एक मिनट देखिए, मैं बताता हूँ। ठीक है, जवाब देंगे मैं वो बहुत जवाब, अच्छा जवाब देने जा रहा हूँ। जैसे ये हमारा रेड फोर्ट है, सदियों पुराना हो गया, ये हमारे भारत के धरोहर है। अगर कल को आप अपना मकान करके ताज वो लाल महल, लाल किला या लाल के उसका नाम रखें, तो क्या हम आपको रखने देंगे? नहीं रखने देंगे। ये हमें विरोध करने का तरीका है। जब तुम्हारी पहले यूपीए थी, आपने नाम क्यों बदला? तुम्हारे मन में पहले से खोट है, आपके मन में पहले से खोट है, तभी तो आपने नाम बदला। नाम हमारा एनडीए पहले से चला आ रहा है और आगे भी चलेगा और हमेशा आगे लिए चलेगा, एनडीए खत्म नहीं होगा। देखिए, अब उन्होंने खड़गे वाली जो बात आई है ना, खड़गे को नहीं बुलाया। देखिए, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है कि हम खड़गे को बुलाएं, तभी हमारा पूरा राष्ट्र संपन्न होगा। हम नहीं बुलाते, ठीक है? आप एक काम करना, जब आपकी बारी आ जाए हमें मत बुलाना, हम तो ये चाहते हैं। और फिर कुछ लोगों से दूरी बना के भी रखनी चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बहुत अच्छा करा है, मैं उससे सहमत हूँ और मैं उनको सैल्यूट भी करता हूँ। जो हमारे पीछे हमारे धर्म को, हमारे देश को, हमारे प्रधानमंत्री को, हमारे देश की जनता को ये लोग क्या बोलते हैं? सुजरेवाला साहब क्या कहते हैं मालूम है? जो बीजेपी को वोट देगा वो राक्षस होगा। ये हमारे देश के नेता हैं जिन्हें बोलने तक की तमीज नहीं है कि हमारे देश की जनता से क्या कह रहे हैं। उसी जनता से जैसे आप वोट लेने के लिए आवेदन करेंगे, पैर छुएंगे, थोड़ी में हटा लेंगे, उस जनता को आप राक्षस बता रहे हैं। जनता मूर्ख है क्या? आप वो नहीं, ये नहीं समझ रही है कि ये राक्षस बोल रहा है हमारे लिए, हम इसे वोट देंगे क्या? इनका सभी का यही हाल है। अब राजा क्या बोल रहा है? राजा सनातन धर्म को एड्स बोल रहा है। मैंने जो पेपर में पढ़ा है मैं उसे देख रहा हूँ। देखिए, ये राजा की बात कर रहे हैं वो तो ठीक है, स्टालिन के बेटे ने भी सेम बात बोली है, थोड़ा सा उन्होंने टिप्पणी अलग कर दी है। लेकिन मैं ये कहूँगा, भारत के लोकतंत्र में सब ये एक प्रोटोकॉल होता है कि अगर कोई भी एक बड़ा डेलीगेशन या आप बुला रहे हैं तो उसमें विपक्ष के नेता को भी न्योता दिया जाता है, ये नियम है। मैं मानता हूँ बहुत सारे नियम ऐसे भी हैं जिनमें उल्लंघन होता है। 144 लगने के बाद में किसी को अधिकार नहीं है कि आप किसी के खिलाफ भी ऊंची आवाज में भी बात करें। ये जो मर्जी बोलते हैं खड़े होकर के, अरे क्या होगा, वकील को लगा देंगे, जमानत करा लेंगे, दो चार तारीखें पड़ेंगे, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन सामने वाले को, मन को तो कचोट लगे, दिमाग को तो ठेस पहुंचे, ऐसे हम शब्दों का क्यों इस्तेमाल करें? क्या मैं नहीं बोल सकता जाकर लाल किले पे खड़े होकर के, स्वतंत्र भारत में मैं भी रह रहा हूँ, मैं भी स्वतंत्र हूँ? लेकिन नहीं, हमारे माँ बाप ने, हमारे कल्चर ने, हमारे समाज ने ये नहीं सिखाया है कि हम किसी पर भी उंगली उठाए बेवजह। अगर सत्य है तो उसका भी एक कहने का तरीका होता है। देश की राजधानी दिल्ली में G20 होने जा रहा है, आपको जानकारी है? जी। अच्छा, अपना नाम बताइए। राजीव तोमर। जिस तरीके से G20 को लेकर जो है दिल्ली में कई तरीके की पाबंदियां लगाई है, इस समय ये चांदनी चौक क्या, ये कहीं लाल किले का इलाका है, यहाँ पे भी भीड़ भाड़ कम है, आप भी यहाँ पे घूमने आए क्या, और कैसा लग रहा है कि पाबंदियां हैं या नहीं है? नहीं नहीं, पाबंदी कोई नहीं है, लेकिन लोगों को सच नहीं मालूम है। पाबंदी किसी प्रकार की गवर्नमेंट ने रखी है, अगर जहाँ भी है वो एक अति संवेदनशील मामला मान लीजिए, ठीक है? वहाँ पे पुलिस जो है वेरिफिकेशन कर रही है और किसी को रोक नहीं रही है, ना किसी से कोई किसी प्रकार की बदतमीजी कर रही है। रहा ये भीड़ भाड़ का कम का, तो अभी फेस्टिवल निपटे हैं हमारे, राखी फेस्टिवल भी गया है, यहाँ कम से कम नहीं तो 70% जनता बाहर की है, आउटडोर गई हुई है, कुछ की कमिंग हो गई है, कुछ यहाँ दिखाई भी दे रहा है। अच्छा, मैं भी कमिंग में ही आया हुआ हूँ, मैं भी गाँव से ही आया हूँ अभी 2-3 दिन पहले, तो मुझे लगा कि 9 से 11 में यहाँ पर टीम पहुँच जाएगी और यहाँ दिल्ली में भ्रमण करेगी खास खास जगहों पे, तो मैं भी यहाँ जायजा लेने के लिए आया हुआ हूँ कि सच क्या है, झूठ क्या है। लेकिन ऐसा कुछ जो बता रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, आदमी आ रहा है जा रहा है, लेकिन थोड़ा क्या है, हर आदमी के अंदर है ना थोड़ा भ्रम सा पैदा होता है, यार वहाँ जाऊँगा पता नहीं क्या हो रहा होगा, ठीक है, थोड़ा डर सा लगा रहता है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, सच क्या है, सच वो होता है जो हम आँखों से देखते हैं। ऐसे ही कोरोना काल में भी था, हम टीवी पे LCD पे देख रहे हैं, बहुत सारी चीज़ दिखाई जाती थी। अच्छा, मीडिया की हाइप भी बहुत बड़ी होती है,
पानी यमुना में आया नहीं, अब दिल्ली का क्या होगा, लोहे का पुल डूबने वाला, ये वो। तो मीडिया भी ऐसे ऐसे शब्द बोलती है ना, पब्लिक डर जाती है। लेकिन ऐसे मैं उनसे कहूँगा, निवेदन करूँगा कि ऐसे बड़ों का इस्तेमाल न करें जो जनता के सामने इस तरह की फीलिंग पैदा हो जाए, वो उस जगह पर जाए। वैसे अगर मैं ये बात करूँ, जिस तरीके से ये रिस्ट्रिक्शन लगी है या एक रोक लगी है, इसको ये सही है आपकी नज़र में या ये कहें कि सिर्फ खाना पूर्ति है? ये आपसे किसने कह दिया कि रोक लगी है? अगर रोक लगी होती तो मैं यहाँ नहीं पहुँचता, बस को सीलमपुर में रोक दिया गया होता, बस ही नहीं चलती हमारी। जब हमारा ये प्राइवेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रहा है, और जाहिर सी बात है हमें यही पता हो जाना चाहिए, जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल रहा है तो कुछ भी बैन नहीं है। देखिए मेट्रो चल रही है, DTC हमारी चल रही है, प्राइवेट वाहन चल रहे हैं, मैं खुद DTC सफ़र करके आ रहा हूँ इलेक्ट्रिक वाली से, तो बैन कहाँ है? दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने अपनी एडवाइजरी जारी करके जी। कुछ इलाकों की जानकारी पहले ही दे दी थी, लेकिन ये लोगों में या ये कह लीजिए भ्रम है या वो है, लेकिन NDMC का ज्यादातर इलाका जहाँ पर 29 देशों के डेलीगेशन रुके हुए हैं वहाँ पर पूर्णतः बैन है, इसमें कोई दोराय नहीं है। मैं बताता हूँ आपको, कुछ चीज़ ऐसी होती हैं, बाहर से बंदा हमारे यहाँ आ रहा है, जैसे मान लिया हमारे घर पर कोई मेहमान आता है, तो हम फटाफट क्या करते हैं यार, जरा झाड़ू मारो फटाफट, जरा चारपाई को है ना चादर फादर सेट कर दो भाई, यार पंखा पंखा देख लिए मिट्टी ना हो, तो ये सारी चीज़ें हम अपने घर में करते हैं। अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं या हमारी साथ है सरकार कर रही है या ऑल टोटल का ऑफिसर्स कर रहे हैं, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, मैं उनसे सहमत हूँ। इंडिया और भारत शब्द को लेकर हाँ घमासान मचा हुआ है, राजनीति हो रही है, आप क्या कहेंगे, भारत शब्द से करेंगे या इंडिया शब्द से? भारत। क्यों? अगर मैं कहूँ भारतवर्ष, ये हमारा इंडिया जो है पहले भारत ही था, इसे जो अंग्रेज शासक आए उन्होंने इंडिया नाम दिया है, कि भारत था, भारत है और भारत रहेगा। लेकिन विपक्ष तो कह रहा है कि ये सब जो है ना सब चोर है, सारे चोर इकट्ठे हो रहे हैं मोदी को हटाने के चक्कर में, क्योंकि उनमें अपने बल पे कोई वो नहीं है, सारे इकट्ठे करके सोचे अपना कोई कैंडिडेट उतारे, उनमें अपने में पावर नहीं है मोदी से लड़ने के लिए। वो अब G20 हो रहा है, वो उसको लेकर भी टिप्पणी कर रहे हैं, कल राष्ट्रपति जो है ना भोज दे रही है सबको, डिनर पर बुलाया, तो मल्लिका अर्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उन्हें न्योता नहीं मिला, उसको लेकर भी जो है नाराजगी दिखा रहे हैं, उस पर क्या कहेंगे? नाराजगी के, वो तो इनकी मोदी जी की इच्छा है कि वो किसे बुलाएंगे, ममता बनर्जी को बुलाया है और आपके एक दो को और भी बुलाए हैं इधर बिहार के नीतीश कुमार को बुलाया, वो तो उनकी रेपुटेशन की बात है। ममता बनर्जी देखिए, राष्ट्रपति ने पूरे जो देश के मुख्यमंत्री हैं चाहे वो किसी भी हिस्से से, उनको न्योता दिया है, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री हैं तो वो उस नाते आई है, लेकिन कांग्रेस का कहना है कि जो हमारे अध्यक्ष हैं उनको न्योता तो क्यों नहीं, नहीं बुलाया, तो फिर वो मुख्यमंत्री को बुलाया तो अध्यक्ष को क्यों बुलाएंगे, इसलिए अध्यक्ष को नहीं बुलाया। तो वैसे आप प्रधानमंत्री की बात से सहमत है कि? बिल्कुल, हम तो मोदी से 100% सहमत है कि ये एक मजबूत ऐसा नेता मिला है जो इससे पहले हमें कभी कोई मिला नहीं है, कि जो देश को एक आगे अपनी पहचान दिला सके, क्योंकि आज तक इंडिया को इतना कोई नहीं जानता था। मोदी ने कोरोना में 150 देशों में दवाई बांटी हैं और दौरे कर रहे हैं और आज G20 की अध्यक्षता कर रहा है, तो ये इज्जत है ना मोदी के सिवा आज तक किसी ने देश को दी नहीं है। अच्छा, लास्ट सवाल, आप ऑटो चलाते हैं, 3 दिन के लिए थोड़ी पाबंदी बढ़ी है G20 के चलते, तो क्या कोई असर पड़ा है आपके काम पे? हाँ, थोड़ा बहुत पड़ा है, उससे कोई तकलीफ? नो, मोदी के लिए सब कुछ जायज है। ओके, दिल्ली में G20 होने जा रहा है और लगभग 3 दिन के लिए थोड़ी सी पाबंदी की है, लेकिन की गई है नई दिल्ली के एरिए में। बात अगर करें लाल किले के एरिए की, तो यहाँ पे भी कुछ दिक्कत आ रही है, लोग कम है, सवारी है या नहीं है? है सर, ऐसा बात नहीं है कि नहीं है, सवारी है, ठीक है, जैसे तैसे तो चल ही जाता है, ऐसा बात नहीं है कि काम नहीं होता है, काम हो जाता है, 1000-1500 रुपये रोज हो जाता है, कम से कम नहीं होगा तो 1000 रुपये तो हो ही जाएगा। अच्छा, दिल्ली के रहने वाले हैं, बाहर से आए हैं? जी, हम बिहार के रहने वाले हैं। अच्छा, तो एक बात बताइए, इस देश के नागरिक तो है, बिहार से आए कोई बात नहीं, सनातन धर्म को लेकर टिप्पणी हो रही है, मालूम है क्या क्या बोला जा रहा है? जी देखिए, सनातन धर्म हमारे हिंदू धर्म का है, बाकी अगर कोई भी बंदा सनातन धर्म का खिलाफ करता है तो ये गलत है, धर्म का खिलाफ नहीं करना चाहिए, हिंदू हो या मुसलमान हो, सब तो भाई भाई है, हम हिंदुस्तान के अंदर, वो भी हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हम भी हिंदुस्तान में रह रहे हैं, तो इसमें सनातन धर्म का खिलाफ करना ये गलत बात है, जो कर रहा है वो गलत कर रहा है। कई नेता इस पे राजनीति कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हिंदू धर्म था ही नहीं, सनातन धर्म था ही नहीं, ये सब कहने की बातें हैं, कुछ भी नहीं था, इस पे क्या कहेंगे, क्या लगता है कि था या नहीं था? सर, ऐसा कोई बात नहीं है, शुरू से देखिए आप हिंदुस्तान के अंदर कि सबसे पहले हमारे
भगवान राम, राम तो सनातन धर्म बहुत पुराना प्राचीन है, वो हिंदू ही थे ना, बहुत पहले की बात है, जब हमारे हमारे दादा परदादा का जन्म भी नहीं हुआ तब की बात है। भगवान का वास है हमारे हिंदुस्तान में, हमारे ये हिंदुस्तान के धरती पे कितने भगवान आए गए, जैसे भगवान कृष्ण हो गए। हमारे हिंदू धर्म और सनातन धर्म का प्रमाण आपको दिखाता हूँ, जैसे राम हो गए, जिस समय रामायण हुआ, फिर कृष्ण आया, महाभारत हुआ, तो हिंदू धर्म कहाँ नहीं है ये बताइए। अच्छा एक लास्ट सवाल ये बताइए कि प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया शब्द को भारत से संबोधित कर दिया है, जिसको लेकर बवाल मचा हुआ है, इस पर आप अपने एक नागरिक होने के नाते क्या कहेंगे, आप भारत कहना पसंद करेंगे या इंडिया? नहीं, हम भारत कहना पसंद करेंगे, क्योंकि जो हमारे हिंदू संस्कृति के हिसाब से, हमारे हिंदू धर्म के हिसाब से हमारे देश का नाम भारत था, और भारत ही हम कहना चाहेंगे, क्योंकि इंडिया जो है वो जो है ब्रिटिश के हिसाब से रखा गया था, इंग्लिश में उसे ब्रिटिश आया, वो अंग्रेज था, उसे इंग्लिश आती थी, तो वो हिंदुस्तान को इंग्लिश में ट्रांसफ़र करके उसे इंडिया बना दिया। बाकी हम भारत हैं, भारतीय हैं, हमें सबसे अच्छा शब्द भारत कहने में लगेगा। आजकल प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया शब्द को भारत से कह के संबोधित किया, संघ प्रमुख मोहन भागवत ने भी किया, तो उसको लेकर टिप्पणी होगी। आप युवा हो, आप क्या चाहते हो, भारत से संबोधित करोगे या इंडिया शब्द से? भारत से ही करना पड़ेगा। क्यों? अगर मैं कहूँ, देखा जाए तो ये राम की भूमि है, तो भारत, भारत जो नाम पड़ा था वो भारत के ऊपर पड़ा था, इससे भाईचारा छलकता है। लेकिन पूरा विपक्ष कह रहा है कि जब से हमने एकजुट होकर इंडिया डेलीगेशन बनाया तब से प्रधानमंत्री मोदी को इंडिया शब्द से तकलीफ हो गई। अब किसी को क्या तकलीफ होती है, वो तो होने दो, 100 लोग 100 बातें, अब कोई कुछ बोलता है कोई कुछ बोलता है, हमको काम में फोकस करना है। तो आप युवा होने के नाते भारत शब्द से ही संबोधित करना पसंद करेंगे? बिल्कुल, भारत से ही, भारत था, भारत है, भारत रहेगा।